हाय फ्रेंड्स मैं डॉक्टर राकेश जोशी डायरेक्टर एंड सीनियर आई कंसल्टेंट एट सूर्या आई केयर सेंटर डेली अब हम डिस्कस करेंगे मोती के इलाज के बारे में और इसमें रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी हुई है जिसे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो कौन सी दवाइयां हैं जिन्हें इनिशियल स्टेज पे जब तक कि पेशेंट का अपना काम चश्मे से चल रहा है तब हम चश्मे के साथ साथ उन्हें कुछ ऐसी ड्रॉप्स देते हैं जिनसे मोतिया बढ़ने की रफ्तार पे कुछ रोक लगती है इनमें सबसे पहली दवाई है पोटेशियम आयोडाइड ये सॉल्ट काफ़ी समय से प्रचलित है जो कि दिन में तीन बार ड्रॉप डालने से मोती के बढ़ने की रफ्तार में कमी पाई जाती है इसके अलावा हमारे पास एक ड्रॉप और होती है जो हम देते हैं वो है एसिटाइल कार्नोसिन सॉल्ट नाम से ये दवाई भी मोतियाबिंद के की बढ़ने की रफ़्तार को कुछ हद तक काबू करती है हालांकि इनमें से कोई भी दवाई जो मोतिया बन चुका है उसे ठीक नहीं कर पाती है उसे डिसॉल्व नहीं कर पाती है तो हमने ये ध्यान रखना है कि ये दवाइयां मोतिया बढ़ने की रफ्तार को रोक पाती हैं लेकिन डिजोल्व नहीं कर पाती हैं एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो अभी रिसेंटली हुई है एक रिसर्च जिसमें एक और नई ड्रॉप लेटनोस्टिर इसे पाया गया है कि एनिमल स्टडीज में कैट्स एंड डॉग्स में उनके कैटरेक्ट में ये ड्रॉप इस्तेमाल करने से उनका कैटरक डिजोल्व हुआ है अभी ये दवाई सिर्फ एनिमल्स के लिए अप्रूव्ड है यदि स्टडीज़ आगे कंफर्म करती हैं कि इंसानों में भी इसका यही रोल रहेगा और ये सेफ़ हैं तो भविष्य में हम उम्मीद कर सकते हैं कि कैटरक डिज़ोल्व करने के लिए भी हमारे पास लेट्नोस्टेरॉल नाम की ड्रॉप होगी इसके अलावा कैटरक की दवाइयों के सिलसिले में एक और भी बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ ये आई है कि इंडिया में ही इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली में एक सॉल्ट पे रिसर्च की गई है और पाया गया है कि वो कैट्रैक को डिजॉल्व करने में सहायक होती है अब ये सॉल्ट है एस्प्रिन एस्प्रिन पिछले सौ साल से सिरदर्द सूजन कम करने और दर्दों के लिए और फिर बाद में कार्डियक पेशेंट्स में लो डोज में एस्प्रिन दी जाती है उनको हेल्प करने के लिए लेकिन यदि एस्प्रिन को नैनो रोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाए जिससे कि आई ड्रॉप्स फॉर्म में उसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाए और बहुत कम स्ट्रेंथ में एस्प्रिन रॉड ड्रॉप्स आई में यूज़ की जाएँ तो रिसर्च ये कहती है कि ये आँखों के कैटरक को डिजोल्व कर सकती है ये मेडिसिन भी अभी अंडर रिसर्च है और अगले निकट भविष्य में ही इसके आईड्रॉप के रूप में उपलब्ध होने की संभावना है ये तो रही आई ड्रॉप्स जिनसे इनिशियल स्टेज में जब तक पेशेंट का विजन चश्मे से इम्प्रूव हो रहा है तो हम ये ट्राई कर सकते हैं लेकिन यदि पेशेंट को हमने सबसे अच्छा चश्मा दे दिया ड्रॉप्स वो डाल चुके हैं और वो फील करते हैं कि उनकी दिनचर्या में उन्हें दिक्कत आ रही है तो फिर उनके लिए सर्जरी प्लान की जाती है आजकल सर्जरी के लिए जो सबसे अच्छा मेथड है वो फेको इमल्सिफिकेशन है जिसके द्वारा कैट्रैक को एक से डेढ़ मिलीमीटर के कट से निकाल लिया जाता है और उसी कट के थ्रू फोल्डेबल लेंस आंख में डाल दिया जाता है इस प्रोसेस में कोई भी इंजेक्शन नहीं लगता है कोई भी टांका नहीं लगता है पूरा प्रोसीजर 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है और पेशेंट को किसी भी तरह की कोई पेन नहीं होती है थैंक यू फॉर लिसनिंग टू ऑल दिस टॉक एंड आई केयर फॉर योर आइज